Assalamu alaikum, hope all of you are fine. Today we are going to discuss, some other topic from the chapter 2. Literature is a social product, yeah, literature is the spirit of age. ये हमारा topic है. इसके दो topic और भी हैं, epochs of the history and literature is, social product. आर प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी. तो फिलहाल इन दो पे हम बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय लिटरेचर इज़ अ सोशल प्रोडक्ट या लिटरेचर इज द स्पिरिट ऑफ द एज. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. द स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ एन एज इज द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक स्पिरिट एंड आइडियल्स. ये बात तो तय है कि जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो वो जो लिटरेचर जो होता है वो बेसिकली जो उस लिटरेचर की स्टडी होती है वो स्टडी होती है उस दौर में जो लोग जो राइटर्स थे उनका एक्सप्रेशंस क्या था, क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, स्पिरिट्स क्या थे और उनके आइडियल्स क्या हुआ करते थे. तो जैसे कि हर दौर का अपना सच होता है, हर दौर का अपना स्पिरिट होता है, हर दौर में जो थीम ऑफ लिटरेचर्स होते हैं वो अपने होते हैं ना. तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि राइटर्स ऑफ सेम एज हैविंग सो मेनी डिफरेंट क्वालिटीज़ येट हैव समथिंग कॉमन इन देम आर एज शेले पुट इट दिस वे अ जर्नल रिजेंबलेंस अंडर विच दे आर स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन आर अरेंज्ड. तो कहने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे एक सदी में अगर बहुत सारे राइटर्स मौजूद हैं तो दे विल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट लाइफ, अबाउट सोसाइटी, अबाउट पीपल एंड सो मेनी आइडियाज़. अपार्ट फ्राम बींग हैविंग सो मैनी डिफरेंट आइडियाज़ येट देयर मस्ट बी समथिंग कामन इन देम. और वो जो समथिंग कामन इन देम होता है हम उसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ एज. दैट इज़ द रीज़न वी कंपेयर एंड कंट्रास्ट शेक्सपियर विद अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज. डूइंग दिस वी कैन फाइंड अ प्रीडोमिनेंट एंड अनमिस्टेकेबल कामन नोट विच इज़ कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एज. एंड द सेम टाइम वुड यू रियलाइज दैट दिस आल हैज़ एक्चुअली कम फ्राम होल सोशल वर्ल्ड ऑफ 16th सेंचुरी. तो अब जैसे कि हम बात करेंगे कि वाट इज़ द लिटरेचर ऑफ 16th सेंचुरी. एक्चुअली द लिटरेचर ऑफ 16th सेंचुरी इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ 16th सेंचुरी सोसाइटी. वाट इज़ द लिटरेचर ऑफ 17th सेंचुरी. यू वुड से दैट द लिटरेचर ऑफ 17th सेंचुरी इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर 7th सेंचुरी सोसाइटी. क्योंकि उस दौर में जो सोसाइटीज़ मौजूद होती हैं, जो समाज और उसके जो इदारे मौजूद होते हैं, हम उनको मद्दे नज़र रख कर चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं. राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट 15th एंड 16th सेंचुरी, तो इंग्लैंड में किंगशिप थी, तो जो बहुत ज़्यादा राइटर्स थे वहाँ पे, मतलब कुछ वो होंगे जो कि उन बादशाहों के ख़िलाफ़ लिख रहे होंगे और कुछ वो होंगे जो उनकी बादशाहों के फेवर में लिख रहे होंगे. अपार्ट फ्राम दैट वो जंगों पे भी लिख रहे होंगे, मोहब्बत, प्यार और इश्क पे भी लिख रहे होंगे, ठीक है, वो रिवेंज और बदले और पता नहीं मीनिंग ऑफ लाइफ पे भी लिख रहे होंगे. लेकिन अटैक जो होगा या जो फेवर जो होगी एक क्लियर और उस पर्टिकुलर सोसाइटी के हिसाब से होगी. सेम गोज़ व्हेन वी रीच इट 19th सेंचुरी. तो अब आप 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में आपको ज़्यादातर जो लिटरेचर मिलेगा, अब जो अटैक होगा वो किंग्स पे नहीं होगा, क्योंकि नाउ किंग्स एंड क्वींस एंड प्रिंसेस आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस. तो वो फिर जो डेमोक्रेटिक या जो भी गवर्नमेंट या स्टेट मौजूद होगी या तो लोग उस पर बात करेंगे. तो हम जब कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ सोशल प्रोडक्ट, तो सोशल प्रोडक्ट से मुराद यही है. फ़र्ज़ करें 16th सेंचुरी में कोई बंदा जो है वो ना रेलवे या बिजली के मसाइल पे नहीं लिख सक रखा रहा होगा, क्योंकि 16th सेंचुरी में बिजली या ट्रेन इनके मसाइल्स नहीं होते थे. राइट, इन 17th सेंचुरी में कोई ये किताब नहीं लिख रहा होगा और ये उस पर ये बहस नहीं कर रहा होगा कि सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट्स क्या हैं नौजवानों पर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिटरेचर, लिटरेचर इज़ अ सोशल प्रोडक्ट. मतलब आप जिस सदी और जिस एज और जिस माहौल में रहते हैं उस सदी, उस एज और माहौल के हिसाब से आप लिखते हैं और प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन इस सब कुछ प्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पे जो स्पिरिट ऑफ एज होता है, जो कॉमन नोट होता है, वो सब में सेम होता है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, दैट्स वेरी गुड, यू शुड रीड शेक्सपियर. लेकिन शेक्सपियर के साथ फिर हम किसको पढ़ेंगे कि उस दौर के जो उसके साथी थे, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो है या किड है, थॉमस किड है या ग्रीनी है या जो सेवन यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जॉनसन है,
तो हम शेक्सपियर को कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे और हम हमें पता चलेगा कि इन ड्रामेटिस्ट के बीच में बहुत कुछ मुख्तलिफ है, बट देयर इज़ सम कॉमन स्पिरिट ऑफ द एज प्रेजेंट इन देयर वर्क, जिस पर वो ओवरऑल अपने ड्रामास, ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ को लिखते हैं। तभी ये कह रहा है कि आफ्टर दिस हडसन कंपेयर्स एंड कंट्रास्ट पोप एंड जॉनसन टू अंडरस्टैंड द ज़ाइटगीस्ट आर स्पिरिट ऑफ द एज। अब देखें, जब हम पोप पे बात करेंगे, टेनिसन पे बात करेंगे, तो पोप हैज़ हिज ओन यू नो थीम। अलेक्जेंडर पोप वो लिखता है द रिलेशनशिप ऐसे ऑफ मैन, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो किस तरह शो करना चाहता है कि एक इंसान का रिलेशनशिप किस तरह है जानवरों से, दूसरे इंसानों से, फिर फितरत से, फिर खुदा से, सो लाइक दिस। लेकिन जब हम टेनिसन पर आएंगे तो वी विल बी हैविंग डिफरेंट थीम्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट। जनरली जो टेनिसन को स्पिरिट ऑफ एज तंग करता है वो जो है वो क्राइसिस ऑफ डाउट, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, नए इलूम आ रहे हैं, एंड देर इज़ अ क्लैश बिटवीन फेथ एंड देन देर इज़ अ रीज़न। तो आपको अमूमन फेथ एंड अनफेथ एंड रीज़न एंड अनरीज़न, ये एक स्पिरिट ऑफ एज है जिस पर आपको मुख्तलिफ राइटर्स मिलेंगे और वो लिख रहे होंगे उस पर। द टाइम स्पिरिट वर्क्स मोर आर लेस यूनिफॉर्मली ऑन मैनी डिफरेंट माइंड्स टू ब्रिंग देम इन टू सर्टेन सबस्टेशनल हारमनी विथ वन एन अदर। और इस तरह ये जो टाइम स्पिरिट है वो यूनिफॉर्मली किसी पे ज़्यादा असर करता है, किसी पे कम असर करता है, लेकिन कोई भी राइटर, कोई भी जो शायर होता है, लेखक होता है, या कोई ड्रामेटिस्ट होता है, नावलिस्ट होता है, उस टाइम स्पिरिट से नहीं बच पाएगा। इसीलिए अ नेशन्स लाइफ हैज़ इट्स मूड ऑफ एग्जल्टेशन एंड डिप्रेशन, स्ट्रगल, फेथ, डिसल्यूजन एंड बिलीव्स, बट डोमिनेंट स्पिरिट ऑफ द अर्थ वाट एवर दैट मे बी विल डायरेक्टली आर इनडेलिकली रिवील इट सेल्फ इन राइटर्स वर्क्स। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि मुख्तलिफ नेशंस पे मुख्तलिफ किस्म के दौर आते हैं, कभी वो बहुत रिच होती हैं, कभी डिप्रेशन होता है, कभी जंगें होती हैं, कभी खुशहाली होती है, कभी अमन होता है। तो वो जो सोसाइटी के हिसाब पर हिसाब से वो कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, खुश होते हैं, तो वो सारी वो जो स्पिरिट होता है वो उन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्क करता है और वो हमें उस दौर के राइटर्स के कामों में या उनके बुक्स में नज़र आता है। सो इसलिए एज अ रेनान पुट इट, वन बिलोंग्स टू वन सेंचुरी एंड रेस इवन वेन वन रिएक्ट्स अगेंस्ट वन सेंचुरी एंड रेस। तो कुछ भी हो, आप अपनी कौम से या आप उस सदी से बिलोंग करते हैं, और भले आप अपनी कौम के ख़िलाफ़ भी लिखें और उस सदी के ख़िलाफ़ भी लिखें, येट यू आर द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, एंड दैट्स वाई जो भी लिटरेचर आप प्रोड्यूस करेंगे, दैट लिटरेचर वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। और उस दौर में, उस सदी में एक जर्नल यूनिवर्स स्पिरिट भी मौजूद होता है जो कॉमन थीम बनता है जो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। होपफुली आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इफ नॉट, यू कैन लीव योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन, वी कैन डिस्कस देयर। थैंक यू वेरी मच।